हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और बादली से बीजेपी उम्मीदवार ओपी धनखड़ जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, हम धनखड़ जी से ही बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, अब चुनाव जो है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी बड़ी जो टफ फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नज़र आ रही है। शानदार चुनाव चल रहा है बीजेपी का, बहुत जानदार चुनाव चल रहा है, हर तरफ वातावरण है बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है। सर, बीजेपी का आप कह रहे हैं कि हर तरफ वातावरण है, उधर अंबाला में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, उन्होंने जो उनका खटाखट था उसके बदले में अब धड़ाधड़ वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अमीरों के खाते में धड़ाधड़ पैसे भेज रही है, उसे कैसे देखते हैं? ऐसे कि उनके उनके जो कहने सुनने के अंदाज हैं लोग समझ गए हैं, और उनकी बातों में कहीं कुछ सार नहीं होता है लोग जान गए, उनका खटाखट फेल हो गया, उनके सारे ही फेल होने वाले हैं, उनके मुद्दों में दम नहीं है, देख लिया लोगों ने, बजट के गैर अनुपातिक होते हैं, उनकी झूठ मालूम है ना, राजस्थान में क्या बोले थे, 10 दिन में कर्जा माफ, 4,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी, वीडियो पर रील बनाकर आत्महत्या की थी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो सकती है? मध्य प्रदेश का किसान उनको ढूंढता रह गया, हिमाचल वाले ढूंढ रहे हैं उनको, जो वो झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, ये झूठ बोल के जाते हैं, और हरियाणा वाले पिछाड़ गए, ये झूठ बोल के जाते हैं, इनके कोई भी घोषणाएं बजट के समानुपातिक नहीं होती हैं, और केवल झूठ के आधार पर जनादेश को ठगने का काम करते हैं, और हरियाणा को तो इन्होंने पहले ही ठगा है, सबको मालूम है जीजा जी के लिए क्या क्या होता रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ तो ये जब आते हैं ना तो लोग थोड़े से डर जाते हैं कि कोई नई ज़मीन तो देखने नहीं आ रहे, कौन सी ज़मीनों पर आके इन्होंने ठगी करनी है, मेरे यहाँ के भी 6,000 एकड़ ज़मीन जो है ना वो ठगवाई हुई है इन लोगों ने। सर, जीजा जी की बात की तो बहन तो अंबाला में ये अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े कर रही। अग्निवीर बहुत शानदार योजना है, और आते ही हर एक को हरियाणा में नौकरी दी जाएगी, घर के नज़दीक भी रहेंगे, पक्की नौकरी जाएगी दी जाएगी, परिवार बच्चों के पास भी रहने का अवसर मिलेगा, और देश की सेवा का गौरव भी वो लेकर रहेंगे कि मैं पूर्व सैनिक हूँ, और पहले भी लोग जो है शॉर्ट टर्म कमीशन के लिए जाते थे ना बड़े अफसर, तो 5 साल के लिए, और बाद में आके यहाँ सेवा करते थे, और सारी उम्र मेरे कई दोस्त हैं जो सारी उम्र कैप्टन लिखते रहे और यहाँ सिविल में नौकरी करते रहे, अब बहुत सारे लोगों को यह अवसर मिलेगा, और यहाँ पक्की नौकरी मिलेगी तो एक शानदार अवसर जो है उसके कारण से मिलने वाला है, परिवार और घर के नज़दीक भी, जवानी में देश की सेवा कर ली, इजराइल में भी हर जवान इस प्रकार से देश की सेवा करता है, बेटियाँ भी करती हैं, तो एक गौरवान्वित करने वाला एक आपके जीवन का हिस्सा हो गया है, और उसके बाद एक आम अच्छे नागरिक की तरह से आप कमा खा रहे हो और अपने परिवार के साथ रह रहे हो, बहुत बड़ी आकांक्षा रहती है जी, नहीं तो वो जो चिट्ठियाँ पढ़ते हुए दिखाते हैं ना फौज में, और जो इमोशनल फोटो दिखाते हैं सबको इमोशनल कर देती है, इनको अवसर मिलेगा कि अच्छा कमाएं खाएंगे भी, परिवार के साथ भी रहेंगे लौटने के बाद, और 4 साल के जवानी देश के लिए देने का गौरव भी करेंगे। सर, आपने मैनिफेस्टो के बहुत सारे पॉइंट्स अभी यहाँ पर बताए, और चूंकि आप पूर्व कृषि मंत्री भी यहाँ पर रहे हैं, सर क्या विज़न रहेगा अब आने वाले समय में किसानों के लिए, क्या कुछ नई योजनाएं आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, किसान के लिए सबसे बड़ी बात तो है हर फसल की खरीद, वो हम कर रहे हैं, दूसरा है क्रॉप पैटर्न चेंज होना जिसके कारण से अधिक आमदनी हो सके, जैसे मैंने यहाँ अपने यहाँ फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर बना हुआ है, आप देखिए आप 10 टमाटर बेचोगे तो 100 रुपये के बिकेंगे अच्छे भाव में, बुरे भाव में हो सकता है 10 रुपये के रह जाएँ, 5 रुपये के भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तो मैंने व्यवस्था की है भावांतर भरपाई की कि कम रेट पे बिकेंगे तो गैप में हम देंगे, लेकिन अगर आप 10 गुलाब के फूल का एक बुके बेचेंगे तो 500 रुपये में बिकेगा, और लीली के होंगे तो 1,000 में बिकेगा, तो हमको क्रॉप पैटर्न चेंज करने होंगे, बेबी कॉर्न सामान्य मक्का से ज़्यादा पैसा देती है, ये तरह तरह की अलग अलग कलर की जो हमारी शिमला मिर्च आती है ज़्यादा पैसा देती है, तो इस तरह से हमने क्रॉप पैटर्न चेंज करना है, हम दिल्ली के बहुत बड़े बाज़ार के पास हैं, 4 करोड़ लोगों का बाज़ार है, और फ्रेश वेजिटेबल्स हम बेच सकते हैं, फ्रेश फूल बेच सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो मेरा विजन यही है कि खराब हुई 1,00,000 एकड़ ज़मीन को अच्छा करना, और झींगा पर उस पर भी बढ़ाना, मछली पर भी बढ़ाना, और आमदनी जो है मैंने एक एक एकड़ का हिसाब लगाया हुआ है, सबसे कम आमदनी है जो है बाजरा और गेहूँ वाले की, और आप मेरे कुरुक्षेत्र में चले जाओगे तो मेरा किसान 4 फसल ले लेता है जी, वो साठी भी उगाता है, वो सूरजमुखी भी उगाता है, वो आलू भी उगाता है और गेहूं भी उगाता है, तो इसलिए क्रॉप पैटर्न कैसे चेंज हो उस पर मुझे बढ़ना है। सर, मैनिफेस्टो में जिस तरीके से तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर बताई, और अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा जाए वो भी गारंटी दे रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, 2,000 रुपये की बात कर रहे हैं, उनका तो पिट गया मामला जी, उनको दूसरा मैनिफेस्टो लाना पड़ा है,
जैसे कोई सब्जी बने किसी घर में, अच्छी नहीं बने, खाने वाले कहेंगे हाँ सब्जी बनी है, तो भाग के घर के लोग लगेंगे कि दोबारा बनाते हैं, तब तक एक एक रोटी लोग खा चुके होंगे। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो से कांग्रेस का मैनिफेस्टो पिट गया है। इस बार मैंने मैनिफेस्टो को पिटते हुए पहली बार देखा, खत्म हो गया। और कुछ उनके लोगों ने उनको पोत दिया, बिल्कुल कालिक पोती, 50 वोट पर एक नौकरी, नीरज शर्मा रुक्का मार दिया, और गोगी ने रुक्का मार दिया कि घर भरेंगे, रिश्तेदारों के घर भरेंगे, जैसे चंडीगढ़ सेवा करने नहीं लूटने के लिए जा रहे हूँ, एक भाई कह रहा है कि मैं सवाई लेकर आऊँगा, उनके अपने आदमी ने उनका मैनिफेस्टो पर तो कालिक पोती है। आखिरी सवाल है सर कि 5 अक्टूबर को चुनाव होना है, आपने महिला चौपाल की भी बात की, महिलाओं से भी अभी आप मिले थे, वो उनकी क्या कुछ मांगे आ रही हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सपोर्ट बहनों का मिल रहा है? ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, 2100 रुपये हम हर महीने उनको मानतान सम्मान के देने वाले हैं। कोतली भी साल में 2 बार आती है, ये तो 12 महीने आएंगे। बेटियों को स्कूटी देने वाले हैं, और महिला चौपाल बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है। आयुष्मान कार्ड 10 लाख रुपये तक का कर दिया है, और बुजुर्गों के लिए 5 लाख, हर जाति वर्ग को इनकम का बैरियर नहीं है, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, गरीबों को जो है 5 लाख मकान देने वाले हैं, और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने वाले हैं। हर तरफ एक खुशी है जी। बीपीएल के ये जो बीसी के लोग हैं भाई बंधु, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती ज़मीन वगैरह की, तो उनका 25 लाख तक के लोन के लिए सिक्योरिटी सरकार देने वाली है। तो बहुत ही अच्छा, कांग्रेस तो जो है ना वो नकली एजेंडे खड़े करके हमेशा इस्तेमाल करती है। आप एक सवाल पूछने वाली थी, आपने पूछा नहीं, मेरे कान पर आया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुखदेव का पत्र पढ़ना चाहिए गांधी जी के नाम, उसमें कहा है कि पहले आप हमें शहीद करोगे, फिर शहीद करके हमको इस्तेमाल करोगे। 1966 में CACP शुरू हुआ था, प्रॉफिटेबल प्राइस मांगने की बात हुई थी। कांग्रेस ने अपने पूरे शासन में किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में सबमिट हो गई थी। 14 तक कांग्रेस राहुल गांधी के, इनके परिवार की, सोनिया जी की, मनमोहन जी की सरकार थी, नहीं दिया प्रॉफिटेबल प्राइस। हुड्डा कमेटी 2010 में रिपोर्ट सबमिट की थी, नहीं दिया प्रॉफिटेबल प्राइस। आज मैं हम सारी फसल खरीद रहे हैं, A2+ एफल दे रहे हैं, जिन राज्यों से बुलाकर ये किसान संगठनों को बैठाते हैं वहाँ नहीं मिला। ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को बैठाते हैं, शहीद कराते हैं, और फिर शहीद करके फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। सुखदेव का पत्र पढ़ना, कांग्रेस की असलियत समझ में आ जाएगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा बादली से बीजेपी के उम्मीदवार OP धनखड़, जिनका कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरी तरीके से पिट गया है और हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। झज्जर से VJ प्रदीप के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।